इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज बोर्न ए डे बिफोर इंडिया वॉज बोर्न एज ए रिपब्लिक चौड़ा हमारा देश उसमें आबादी इतनी जनसंख्या का डाइवर्सिटी इतनी और फिर एक मैगजीन जो है वो उनकी एक इंटेलिजेंस यूनिट है या रिसर्च यूनिट है जो तो हर साल ग्लोबल इंडेक्स ऑफ डेमोक्रेसी इशू करते हैं दो हजार छः से वो कर रहे हैं हर साल उनके यहाँ चार कैटेगरीज होती है डेमोक्रेसी की फुल डेमोक्रेसी फ्लॉट डेमोक्रेसी हाइब्रिड डेमोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियन रजिम तो उसमें हमको फ्लॉड ईयर आफ्टर ईयर फ्लॉड दिखाया कि हमें उसी इंडेक्स में इलेक्शन की क्वालिटी पे नौ में से दस में से नौ नाइन पॉइंट एट मार्क्स मिलते हैं एक के बाद एक ग्रेट इलेक्शन बट फ्लॉड डेमोक्रेसी ठीक जब हमारी ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगी मेरी दानापुर में लगी औरों की जगह जगह लगी तो सेशन साहब जो हमारी ट्रेनिंग सेशन के लिए ब्रीफिंग दे रहे थे तो उन्होंने एंड में कहा कि ठीक है बच्चों चलो तुम जाओ डोंट वरी नथिंग विल हैपन एक्सेप्ट बुलेट थ्रू योर स्टमक एंड अ बॉम योर फेस कि उससे पहले जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड के आने से पहले बीस हजार रुपये का डोनेशन भी पब्लिक को नॉलेज में होता था इलेक्शन कमीशन को बताया जाता था दुण और इलेक्शन कमीशन पब्लिक को बताती थी बीस हजार का अब 20 लाख 20 करोड़ 200 करोड़ किसने किसको दिए हमें पता ही नहीं लगेगा तो क्या समस्या है एक एक राष्ट्र एक चुनाव में वन नेशनल इलेक्शन में कि जब जब चुनाव आता है गरीब के पेट में पुलाव आता है जनता को बार बार इलेक्शन पसंद है वो पसंद है क्योंकि देखिए गरीब जनता उसके पास आ, उसके पास कोई पावर ही नहीं है बेचारे भूखे हैं राइट टू रिकॉल पर आप बताएं क्या आपको लगता है कि भारतीय लोकतंत्र में राइट टू रिकॉल की जगह है क्या स्पेस बन सकता है हमने इसको अपोज किया था इमीडिएटली क्यों अपोज किया था कि इससे देश में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी अन्ना आए थे मुझे मिलने मैंने उनको समझाया और उन्होंने इस डिमांड को विद्रॉ कर लिया फौरन कर लिया हमको ये सब नहीं मालूम था कि छह महीने में एक सरकार गिरी साढ़े चार साल तक प्रेसिडेंट रूल में रखेंगे उसे नमस्ते मेरा नाम दीपक है आप किताब वाला देख रहे हैं किताबवाला जिसमें हफ्ते की एक किताब होती है तफसील से पढ़ी जाती है लेखकों को फिर दावत दी जाती है वो आमंत्रित हम उन्हें आमंत्रित करते हैं और उसके बाद उस किताब पर खूब बढ़िया से तफसील से पन्ना बाई पन्ना उस पर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं आज की किताब है किताबवाला में इंडियाज़ एक्सपेरिमेंट विद डेमोक्रेसी द लाइफ ऑफ अ नेशन थ्रू इट्स इलेक्शंस भारत के चुनावों को लेकर जो प्रयोग हुए हैं उस पर तफसील से इस किताब में बातचीत करने की कोशिश की गई है इसके लेखक हैं डॉक्टर एस वाई कुरैशी जो भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं इस किताब को क्यों पढ़ा जाए इसकी स्थापना करते हुए आप ये समझिए कि भारत में चुनावों की जो प्रक्रिया हम 1900 अक्टूबर उन्नीस से लेकर के और आज तक हम देखते हैं उन चुनावों की प्रक्रियाओं में हम कैसे हमारे यहाँ वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ा ट्रांसजेंडर्स की जब बात आती है तो उनके लिए वोटर पार्टिसिपेशन के लिए क्या किया जा सकता है और किसी भी सवाल को इसमें डग करने की कोशिश नहीं की गई है कैसे पढ़ा जाए आज की मेरी पीढ़ी के लिए हम सबके लिए समस्या ये है कि रील्स के दौर में बाकी सब दौर में हमारा कंसनट्रेशन पावर कम हुआ है तो आप इस किताब को मान लीजिए आप नहाने जा रहे हैं कॉयल हीटर से पानी गर्म हो रहा है उतनी देर में आप एक चैप्टर खत्म कर सकते हैं कहीं से किसी भी तरीके से 107 इस किताब में चैप्टर हैं लास्ट गिनती जो मैंने की थी 107 चैप्टर को आप कहीं से कुछ भी पढ़ सकते हैं कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पुराने लिंक आपका कोई छूट रहा है उस तरह से ये ज़रूरी किताब है दूसरा आपको भारतीय चुनावों के बारे में समझने की एक विस्तार से समझिए किताब पैदा करने की कोशिश करती है प्रोवाइडेड द फैक्ट इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी क्रेडिबल वॉइस डॉक्टर एस वाई कुरैशी स्वागत है सर आपका इस किताब पर बातचीत के लिए आपने समय दिया थैंक यू वेरी मच सबसे कड़वी टॉफ़ी सबसे पहले खा लेते हैं आपकी किताब में एक चैप्टर है द क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन हम यहाँ तक कैसे चले आए क्योंकि मुझे आज का ही आपका एक फुल पेज इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस का याद आता है जिसमें आप कह रहे हैं कि हम एक एम्बेरसिंग पैराडॉक्स में फंस गए हैं कि हम एक तरफ एक इलेक्शन वंडर हम करते हैं कि इतनी मैसिव तरीके से जो मतलब कितना लंबा हमारा देश कितना चौड़ा हमारा देश उसमें आबादी इतनी जनसंख्या का डाइवर्सिटी इतनी और फिर एक तरह फ्लॉड डेमोक्रेसी है तो ये सवाल कैसे उपजा कि हम इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने लगे ट्वेंटी इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए देखिए इसमें दो तो बातें कही आपने इस सवाल में कि एक तो फ्लॉड डेमोक्रेसी ये अपनी जगह एक इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं एक्सप्लेन करूँगा दूसरा इशू है द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन द करंट कॉन्टेक्स्ट तो फ्लॉड डेमोक्रेसी का बैकग्राउंड ये है कि जब मैं किताब लिख रहा था अपनी पहली एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन तो उसमें हम बहुत ज़ोर शोर से इंडिया के इलेक्शन कितना बड़ा है कितना ग्रेट है ये सब जब कर रहे थे जब किताब ख़त्म होने वाली थी तो मुझे किसी साहब ने एक एक स्टडी दिखाई इकोनमिस्ट मैगजीन जो है वो उनकी एक इंटेलिजेंस यूनिट है या रिसर्च यूनिट है जो हर साल ग्लोबल इंडेक्स ऑफ डेमोक्रेसी इशू करते हैं 2006 से वो कर रहे हैं हर साल तो उसमें जो हमें हमारी डेमोक्रेसी को फ्लॉट डेमोक्रेसी दिखाया गया था तो हमें बड़ा गुस्सा आया कि यार हमारी तो पूरी दुनिया में हमारे इलेक्शन की धूम है इतना अच्छा है हिलरी क्लिंटन ने इसको गोल्ड स्टैंडर्ड बोला आ, कितने इलेक्शन कमिश्नर हमसे सीखने आते हैं और ये इकोनॉमिक एक हमको फ्लॉड डेमोक्रेसी कह रहा है ज़रूर ये कंस्पिरेसी होगी ये कोई षडयंत्र होगा हमको नीचे दिखाने का एंटी भारत जैसे कि होते ना <coughs> कि एक फर्स्ट रिएक्शन कंस्परेसी थेरी कोई कंस्परेसी है लेकिन जब मैंने उसको स्टडी किया कि किस वजह से वो हमको फ्लॉड डेमोक्रेसी बता रहे हैं उनके चार कैटेगरीज होती हैं डेमोक्रेसी की फुल डेमोक्रेसी फ्लॉड डेमोक्रेसी हाइब्रिड डेमोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियन रजीम तो उसमें हमको फ्लॉड ईयर आफ्टर ईयर फ्लॉड दिखाया तो जब मैंने देखा कि उसके कारण क्या थे तो कारण तो एग्जैक्टली exactly वो थे जिनकी चिंता हम करते थे मिसल, मिसाल के तौर पे औरतों का पार्ट, पार्टिसिपेशन बड़ा पोअर था दस नौ दस परसेंट औरतें ही एम पी एम एल थी जिसकी वजह से हमारा रैंक नीचे आता है क्रिमिनल्स इन uh, uh, um, uh, पार्लियामेंट्स इन विधानसभा क्राइम करप्शन इसमें हम आए हाँ थे 300 मिलियन 30 करोड़ अनपढ़ लोग हैं उसकी वजह से हमारा रैंक लो था तो ये तो हमारे अपने चिंता का विषय वैसे ही है उस वजह से अगर हमारा रैंक नीचे आता है तो हमें शिकायत का कोई मौका नहीं और सेकेंडली वो इंडिया के लिए उन्होंने कोई पैरामीटर्स अलग से तो बनाए नहीं 200 देशों का अगर वो पूरे दुनिया के अगर ये वो करते हैं पैरामीटर्स कॉमन होते हैं उस पर हम नीचे आते हैं बिकॉज ऑफ ये चार फैक्टर तो हमें ही अपने गिरबान में मुँह डाल के देखना चाहिए कि हमारे लिए ये हम पीछे क्यों पड़ रहे हैं और इसका सुधार हम कैसे कर सकते हैं और सिविल लिबर्टीज प्रेस फ्रीडम ये सारी चीज़ें क्या हमको दिखाई नहीं दे रही कि क्या क्या हो रहा है तो ये फ़ौरन रिफ्लेक्ट हो जाती हैं हर साल की उसमें एक स्टेज ऐसी आई थी कि हम सत्ताईसवें नंबर पे आ गए थे 25 तक फुल डेमोक्रेसी थे हम सत्ताईसवें पे आ गए थे और मुझे बड़ी खुशी थी कि आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि अब बस अगले उसमें हम फुल डेमोक्रेसी में आ जाएंगे हम गिरते गिरते अब तिरपन पे वापस आ गए तिरपन पे चले गए क्यों कुछ बिकॉज इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग हमारे यहाँ कुछ ना कुछ, कुछ कमियाँ हैं जो हमें खुद ही सुधारनी है ये तो एक चीज़ हो गई की ख़राबी है अच्छा उसमें जो एक पैराडॉक्स है कि हमें उसी इंडेक्स में इलेक्शन की क्वालिटी पे नौ में से दस में से नौ नाइन पॉइंट एट मार्क्स मिलते हैं एक के बाद एक ग्रेट इलेक्शन बट फ्लॉट डेमोक्रेसी तो ये चीज़ क्योंकि इलेक्शन इट सेल्फ इज नॉट डेमोक्रेसी अच्छा इलेक्शन अच्छा से है ना हम अच्छा इलेक्शन करके कोई भी हमारी वजह से जिसको इक्वल चांस मिल जाए वो जीत के आ जाए बाद में वो करप्ट साबित होता है या वो क्रिमिनल जीत के आ रहा है उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं तो जो जो चीज़ें डेमोक्रेसी को हमारे फ्लॉट दिखा रही हैं वो अलग हैं इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल के बाहर हैं इलेक्शन कमीशन को ऑलमोस्ट फुल मार्क टेन वन टेन मिल रहे होते हैं ईयर आफ्टर ईयर आज तक भी ठीक है ना तो इसलिए ये, ये तो फ्लॉड डेमोक्रेसी का कौन है दूसरा क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन जो आपने दूसरा इसमें कैसे उपजाए सवाल कैसी आई परिस्थिति नहीं ये सवाल जब भी कभी उठता है तो मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि छः साल में मेरा हम लोग किसी भी इमारत को बनाने के लिए आ, आ, हर शख कॉन्ट्रीब्यूट करता है दो चार ईंटें तो हमने भी लगाई होंगी तो, है गारा है जो भी लगाते हो और उसमें अगर कोई डैमेज होने लगे और तो किसी भी बिल्डिंग को बनाने में चालीस साल लग सकते हैं तीस साल लग सकते हैं और डिमोलिश होने में तीस सेकेंड नहीं लगते आपने कितनी बार हमने टी वी देखा है इमारतें गिरानी हैं थर्टी सेकेंड में बनी दस दस दद, बीस बीस तीस तीस साल में बनी हुई इमारत गिर जाती है तो इसलिए हमें यह जिम्मेदारी हमारे इनकम्बेंट ही होती है किस वजह से इलेक्शन कमिश्नर्स पे उंगली उठी वो उन्हें खुद सोचना चाहिए क्योंकि मेरे लिए थोड़ा ऑकवर्ड है थोड़ा भद्दा है क्योंकि मैं भी रह चुका हूँ ऐसा लगेगा कि देखो अपने सक्सेस की तारीफ करने के बजाय उनकी खामियाँ ढूँढ रहा है लेकिन मैं क्या खामियाँ ढूँढ रहा हूँ मैं तो चुप रहता हूँ आप खामी ढूंढेंगे तो आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे कुछ तो जवाब देना ही है ना तो मैं ये जवाब दे लेता हूँ ज़रा गोलमोल वाला कि भाई सवाल उठना ही इससे बड़ी बदकस्मती की बात है कि ये सवाल क्यों उठा लेकिन उस सवाल उसको तो खुद इलेक्शन कमिश्नर्स ने सोचना चाहिए कि सवाल ना उठने पाए तो इनकम्बेंट के अपना जो कैरेक्टर है उनकी अपने स्ट्रेंथ है बैकबोन है वो सबकी इंडिविजुअल होती है अब हर एक तो टीएन सेशन नहीं है लेकिन टीएन सेशन का अभी तक नाम क्यों लोगों को याद है कि उन्होंने एक बैक बोन दिखाई थी तो इसलिए हम सबको ये सोच के चलना चाहिए कि दुनिया हम पूरा इंडिया हमको देख रहा है कोई अंधा नहीं है सबको सब, को, सब को, हमारी हर अच्छी बुरी चीज़ सबको दिख रही है अगर हम उसके कॉन्शियस हो जाएंगे तो फिर गलत काम हम नहीं करेंगे अच्छा जस्ट हमारे फॉर से संविधान निमित्त जो जो अधिनियम है या संविधान में जो ताकतें हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास इतनी है कि उन्हें सरकार या किसी से भी किसी भी तरह के दबाव की या उसकी आप वो सच रिटेलिएट कर सकते हैं बिल्कुल टोटली इलेक्शन कमीशन को इतनी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में ही बिकॉज हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे इतने दूर अंदेश थे कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को टोटली इंडिपेंडेंट बनाया टोटली पावरफुल बनाया बल्कि एक दो छोटे छोटे जेस्टर्स हैं आप देखिए लोगों को नहीं मालूम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज बॉर्न ए डे बिफोर इंडिया वॉज बॉर्न एज ए रिपब्लिक इंडिया रिपब्लिक हुआ था छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पैदाइश होती पच्चीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को क्या उसके पीछे विजडम था कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेवर्स का कि इलेक्शन की इतनी इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन में जो आ, आर्टिकल छः आर्टिकल जिससे इलेक्शन कमीशन की पावर वगैरह डिटर्मिन की गई है वो आर्टिकल्स 26 जनवरी 1950 से दो महीने पहले 26 नवंबर उन्नीस को उनचास को प्रमोट दिया गया साइन किया गया है अच्छा वो 26 नवंबर ही आज कॉन्स्टिट्यूशन डे के बौर मनाया जाता है तो ये इम्पोर्टेंस इलेक्शन कमीशन को दी गई थी और उसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी प्रेसिडेंट नहीं गवर्नमेंट कैन अपॉइंट एनी बट वंस अपॉइंटेड सी ई सी उस बात तो सिर्फ एक ही होता था ना सी ई सी कैन नॉट बी रिमूव एक्सेप्ट लाइक ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं थ्रू इम्पीचमेंट अच्छा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट देख तो इसमें जो आजकल डिबेट चली हुई है कि इक्वेशन के सुप्रीम कोर्ट से हो या नीचे हो कैबिनेट से हो उस कॉन्टेक्ट में भी देखिए इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने तो खुद ही कह दिया कि इलेक्शन कमीशन कैन नॉट कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट लाइक ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तो दैट मीज इक्वल कर दिया ना oh. अच्छा इसी सवाल पर मैं थोड़ा आगे बढ़ लेता हूँ आपने

आपको जान के हैरत होगी कि जब मैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर था उस वक्त भी आ, उस वक्त भी जबकि मैं भी बेनिफिशियरी था उस पुराने सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट का या या एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट के सरकार जिसको चाहे लगा दे मुझे भी सरकार ने लगाया था तो मुझे तो कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए लेकिन इन प्रिंसिपल मैं और मुझसे पहले कई सी ने ये इतराज़ उठाया था कि अगर हम कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंट हुए होते तो हमारी क्रेडिबिलिटी कॉलेजियम का कंपोजिशन कैसा होना चाहिए कॉलेजियम का कंपोजिशन जिससे हम ऑलरेडी परिचित हैं ऑलरेडी चल रहा है प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन वो बिल्कुल ठीक है इतना चल ही रहा है और पूरा देश उससे परिचित है वो कॉलेजियम बना दीजिए तो उस पर बल्कि एक दफ़ा एक इंटरव्यू किया था करण था पढ़ने में इसी था तो उसने कहा सिस्टम पे तो मैंने कहा कि कॉलेजियम से अगर अपॉइंट होते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती तो उन्होंने रिपीट कराया जैसे जो उनकी आदत है कि क्लैरिटी के लिए कि उन्होंने कहा यू सजेस्टिंग कि अगर सुषमा स्वराज लीडर ऑफ उप अपोजिशन उप ने भी तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेट साइन किया होता तो तुम ज़्यादा मजबूत फील करते मैंने कहा एग्जैक्टली क्योंकि पब्लिक परसेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ने आपका अपॉइंटमेंट साइन किया है इसका मतलब है अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज आपकी एक्सेप्टेंस है एक दफ़ा लीडर ऑफ अपोजिशन साइन कर दे थे, थे मेरे अपॉइंटमेंट बाद में किसी पॉलिटिकल पार्टी की मॉरल अथॉरिटी नहीं रह जाएगी कि वो क्वेश्चन करे कि साहब ये ये का तो कांग्रेस ने कहा अपॉइंट किया तो कांग्रेस को फेवर कर रहा होगा अरे भाई लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी तो साइन किया है मेरा अपॉइंटमेंट तो मॉरल अथॉरिटी वो ख़त्म हो जाती है और इलेक्शन कमिश्नर के जो है न्यूट्रलिटी की एक्सेप्टेबिलिटी या परसेप्शन वो बहुत बढ़ जाता है तो यही अब जो आजकल जो का जो डिबेट चल रही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि कि प्रेसिडेंट जिसको चाहे अपॉइंट करे लेकिन जब तक कोई कानून न बनता है तो सत्तर साल हो गए कानून नहीं बना तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी चिंता दिखाई कि भई इस पे जो आपने तब तक इस पर कानून बनाया चाहे बनाया चाहे था कौन इलेक्शन कमिश्नर लग सकता है उसकी सर्विस कंडीशन क्या होंगी वगैरह तो क्वालिफिकेशन तो कुछ कुछ नहीं था आज तक कुछ नहीं था तो और इसीलिए प्रेसिडेंट गवर्नमेंट इसको चाय लगा देती तो उन्होंने ये कहा कि साहब आप फ़ौर कानून लेके आइए जल्द से जल्द लेके आइए लेकिन जब तक आप कानून नहीं लाते जब तक हमें हम एक कॉलेजियम बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी वही जिसके कॉम्पोजिशन मैंने बताई कि जो पी चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ अपोजिशन जब तक अपॉइंटमेंट अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये कोलेजियम करेगा हालांकि अभी कोई वैकेंसी हुई नहीं तो कोई ऐसी नहीं तो सरकार एक बिल लेके आई थी वो फिलहाल उन्होंने स्थगित कर दिया क्योंकि उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो बिल में कैसे उनका क्या ये बिल में कुछ अच्छा ही थी वो बिल में उनके दो तीन खूबियां तो ये थी कि एक डिमांड जो हम बहुत सालों से कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सी सी 1 अपॉइंटेड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय अदर देन इम्पीचमेंट अदर देन इम्पिचमेंट लेकिन बाकी के दो कमिश्नर तो उस वक्त थे ही नहीं वो तो टेन सेशन की लड़ाई के बाद बाकी तो तो दो दो कमिश्नर 1991 में आए है ना तो उन्नीस सौ इक्यानवे में जब यह हुआ कानून बना था तो उस वक्त उस कानून में ही होना चाहिए था उसमें ये तो आ गया कि सी ई सी के नॉट बी रिमोट दी अदर मेम्बर्स उनका कोई जिक्र नहीं तो ये एक लापरवाही थी कानून बनाने वालों की कि उन्होंने इस पॉइंट को नहीं देखा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रोटेक्शन दी थी सी ई सी को वो किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं थी वो इंस्टीट्यूशन के लिए थी और वो इंस्टीट्यूशन उस वक्त सिंगल मेंबर इंस्टीट्यूशन था उस वक्त एक ही मेंबर था सी ई सी ठीक है बाद में तीन मेंबर हो गए तो उन तीनों को वो एक, वो मिलनी चाहिए थी प्रोटेक्शन हम ये डिमांड करते रहे कि ये उनको भी प्रोटेक्शन दो वरना क्या होता था कि वो अपने को प्रोबेशन पर महसूस करते थे उनको डर ये रहता था कि सरकार मुझको एलिवेट करेगी कि नहीं करेगी तो मुझे खुशियत होगी रैंक्स सी सी बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा तो वो सरकार को खुश करने में लगे रह लगी रहती थी तो ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है तो इसलिए इसके सुधार के हम डिमांड करते रहे इस बिल में ये चीज़ प्रोवाइड कर दी गई कि उनको भी रिमूवल से प्रोटेक्शन मिलेगी जो सी सी की है जो बड़ी अच्छी चीज़ है एक और इसमें अच्छा ही है कि इसमें पहले हमारी कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं थी माने किसी को भी पकड़ के सी सी बना ई सी और ई सी सी बनाया जा सकता था उस पर किसी को पकड़ के कोई क्वालिफिकेशन को। नहीं थी कि मैन इन द स्ट्रीट को पकड़ के लगा दीजिए किसी को भी लगा दीजिए आप भी लग सकते थे आज भी लग सकते हैं जब तक कानून न बने किसी को भी लगा सकते हैं ये बात दूसरी है कि सरकार पिछले सत्तर साल से सिर्फ सिविल सर्वेंट को लगाती रही है लेकिन कानून में कहीं रुकावट नहीं है कि सिविल सर्वेंट ही लगाना है कोई प्रोफेसर से लेकर कोई भी कोई भी लगा किसी को मैन इन द स्ट्रीट को लगा सकते हैं जब क्वालिफिकेशन ही निर्धारित नहीं है तो ये एक त्रुटि थी कमी थी तो तो कन्वेंशन से बचे रहे हम लोग कन्वेंशन से? से बचे रहे वो तो फॉर्चुनेटली उन्होंने सेक्रेटरी रैंक के अफसर ही लगाया हमेशा ज़्यादातर आई ए एस अफसर जो आई वो डिफेंड के बड़ी अच्छी चीज़ थी और दो बार रेवेन्यू आई एर एस के ऑफ़िसर एक दो बार लॉ सेक्रेटरी आई एस का लगाना तो बड़ा फ़ायदेमंद हुआ इतनी अच्छा जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्योंकि आई ए एस ऑफिसर ज़िंदगी भर इलेक्शन कराता है मैं अंडर ट्रेनिंग उन्नीस में एक सिंगल बूथ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर था जहाँ पे नॉर्मली स्कूल टीचर होता है मैंने वो वो एक्सपीरियंस ही उससे शुरू किया फिर मैं रिटर्निंग अफसर बना विधानसभा के लिए लोकसभा के लिए कई बार फिर मैं कई बार इलेक्शन ऑब्जर्वर गया टीएन एन सेशन साहब के जमाने में जगह जगह गया उसी पर थोड़ा आ जाता हूँ जी

तो उन्होंने एंड में कहा कि ठीक है बच्चों चलो तुम जाओ डोंट वरी नथिंग विल हैपन एक्सेप्ट ए बुलेट थ्रू योर स्टमक एंड ए बम ऑन योर फेस तो इसके कि तुम आ, के कोई बम फट जाए और गोली लग जाए इसके अलावा कुछ नहीं होगा तो डोंट वरी no, अच्छा हाँ तो ये तो डराने वाली बात थी और श्योर है ना मैंने दो बम फटते देखे उस ज़माने में बम फटना पोलिंग बूथ पे बड़ा कॉमन था लेकिन उस ज़माने के बम जरा क्रूड से थे सुतली उतली के उसके तो बहुत ज़्यादा डैमेज ना होली टाइप के लेकिन डराने के लिए तो काफ़ी है ना लोगों को भगा देने के लिए तो काफ़ी है मकसद ये होता है कि लोग भाग जाएँ बूथ अकेला रह जाए उसको बूथ कैप्चर कर लो तो ये चीज़ ये होती थी जो हमने देखी तो इसलिए जो लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है अब कई हमारी नेबरिंग कंट्रीज थे पाकिस्तान के वो तो हम तो इतने ऑलमोस्ट जलते थे कि वहाँ सब जजेस हैं तो मैं भी उनसे कहता था कि साहब आपके पास तो हमसे ज़्यादा पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ जो हमें है उनको भी दी हुई है लेकिन आपको दो एडवांटेजेस हैं वो वो क्या कि एक तो आप सब जजेस हैं और जजेस की क्रेडिबिलिटी सिविल सर्वेंट से ज़्यादा मानी जाती है चाहे राइट right तो या रॉन्ग को नहीं है कोई बात में बेनिफिट नहीं मिलेगा ये जो क्रेडिबिलिटी ज़्यादा मानी जाती है दूसरे यूनियन अपॉइंटमेंट नहीं होती है जैसे हमारी होती है उनके पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी से आते हैं तो तो इसका मतलब एक्सेप्टेबिलिटी वाइडर हो जाएगी जाती है ठीक है उसके बाद भी मैं कहता था कि आपकी क्रेडिबिलिटी पर, आपकी कंट्री में क्यों नहीं है इलेक्शन कमीशन की वहाँ क्रेडिबिलिटी हमेशा उस पर क्वेश्चन मार्क लगा इसमें चैप्टर है पूरा चैप्टर भी है मैंने ऑब्जर्वर इमरान खान का जो इलेक्शन हुआ था उनमें मैं इलेक्शन ऑब्जर्वर था वहाँ पर तो उसकी वजह क्या थी मैं यही जजेस साहबान से कहता था कि साहब आप बड़े अच्छे कानूनदाँ होंगे लेकिन आपको इलेक्शन का तजर्बा कितना है ज़ीरो इलेक्शन कोई कानून की चीज़ थोड़ी इलेक्शन तो 99% परसेंट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो आई एस अफसर ज़िंदगी भर करता है हमें तो मालूम है कौन किस तरह क्या कुछ है आपको वो मालूम नहीं है तो इस वजह से आप से गलतियाँ हो जाती हैं तो उसको वो एक्नोलेज करते थे कि ये फैक्ट है कि हमको हमको नहीं मालूम का, कानून आपको पता है एक चीज़ और एक्नोलॉज करने की बार बार आप मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट से इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मसला हमारे उन दर्शकों के लिए जो इस इशू को नहीं थोड़ा देख पाए उसको फॉलो अप नहीं कर पाए हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है आपकी इससे असहमति क्या है और भारत के लोकतंत्र पर इलेक्ट्रल बॉन्ड का क्या प्रभाव पड़ सकता है थोड़ा तफसील से इसको आराम से तफसी बताएँ जी देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड के पीछे जो एक कॉन्सेप्ट है कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्ट्रल फंडिंग तो कैंपेन में या इलेक्ट्रिशियन में जो पैसे वैसे खर्च होते हैं वो कहाँ से आते हैं कौन देता है क्यों देता है उसके बदले उसको क्या मिलता है ये सब चीज़ पता होनी चाहिए कोई ऐसे जैसे कोई देर इधनो फ्री लंच आपको अगर दो करोड़ पाँच करोड़ देगा उसके बदले कुछ तो लेगा तो जनता को पता होना चाहिए तो हम लोग यही कहते थे कि ट्रांसपेरेंसी इलेक्ट्रोल उसकी होनी चाहिए फंडिंग की तो 2017 के बजट स्पीच में अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने बड़े अच्छी एक बात कही मैं टी वी वो, वो स्पीच सुन रहा था उन्होंने कहा कि विदाउट ट्रांसपेरेंसी ऑफ पोलिटिकल फंडिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर नॉट पॉसिबल यानी जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी जब तक अच्छे चुनाव नहीं, नहीं हो सकते जब तक पारदर्शी फंडिंग की व्यवस्था ना हो जाए ना हो जाए ठीक यही तो हम कह रहे थे तो हमें सुन के बड़े खुश म्यूजिक टू ईयर्स म्यूजिक टू माई ईयर्स अगला सेंटेंस ऑल्सो म्यूजिक टू माइर्स उन्होंने अगला सेंटेंस क्या कहा कि सत्तर साल से हम ये इस कोशिश में असफल रहे हम करना चाहते रहे लेकिन हम कर नहीं पाए आपकी बात तो अब मैंने ऑब्वियसली ये सोचा कि अब तीसरा सेंटेंस ये होगा कि अब हम ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस कर देते हैं तीसरे सेंटेंस में उन्होंने पहले दो को भी डिमोलिश कर दिया कि जी हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारे कान खड़े हुए कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या चीज़ है भाई ये के कॉर्पोरेट जो हैं वो बॉन्ड्स खरीदेंगे बैंकिंग रूट से खरीदेंगे ताकि कैश ट्रांजेक्शन ना हो और वो जिस पार्टी को देना चाहें वो दे दें पंद्रह दिन के अंदर अंदर लेकिन किस कंपनी ने किस पार्टी को दिया वो किसी को नहीं पता लगेगा एक्सेप्ट नहीं किसी को नहीं लगेगा बैंक को पता लगेगा बैंक का मतलब है सरकार को पता लगेगा हाँ. तो सरकार और बैंक को पता है और तो ट्रांसपेरेंसी ख़त्म कर दी कि जी वो और रीज़न क्या दिया कि ये जो डोनर्स हैं वो सीक्रेसी चाहते हैं वो ये नहीं चाहते कि किसी को पता लगे पार्टियों को कि जी हमने किस पार्टी को कितना पैसा दिया तो पहले तो मैंने इस पर यही सवाल उठाया कि डोनर को सीक्रेसी की क्या ज़रूरत है उसको सीक्रेसी की जरूरत है कि उसने किसी को दस करोड़ बीस करोड़ दिए उसके बदले उसको लाइसेंस मिलेगा किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा एंटी लंदन चला जाएगा आपकी किताब के शब्द ना बैंक के लोन मिलेंगे बैंक के लोन ले लेके ये सब भाग जाएंगे आप देख रहे हैं कितने भागे हुए हैं आजकल तो ये सब होगा क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल फंडिंग करेंगे और जो जनता को पता ही नहीं किसने दिया किसको दिया तो उन्होंने उसको जो सीक्रेट कर दिया तो मैंने एक इस पर एक आर्टिकल लिखा था जो इसमें मौजूद है इंडियन एक्सप्रेस में वो छपा था तो मैंने उसमें ये चीज़ बताते हुए कि उससे पहले जब इलेक्ट्रल बॉन्ड के आने से पहले बीस हजार रुपए का डोनेशन भी पब्लिक को बताना public होता था नॉलेज में होता था इलेक्शन कमीशन को बताया जाता public था और इलेक्शन कमीशन पब्लिक को बताती थी बीस हजार का अब बीस लाख बीस करोड़ दो सौ करोड़ किसने किसको दिए हमें पता ही नहीं लगेगा तो कौन कॉरपोरेट सरकार चलाएगा हमको पता ही नहीं लगेगा तो ये इतना और उसका फिर मैंने सोल्यूशन भी बताया रीजन क्या देते थे आप देखेंगे अक्सर डिबेट में नेता लोग इसकी डिफेंड कर रहे होते हैं कि देखो पहले कैश ट्रांजैक्शन होती थी बीस बीस हज़ार बीस बीस हज़ार अरे बीस हज़ार रुपये की क्या वैल्यू है आज के उसमें बीस हज़ार के कैश को आपने आ, बैंक ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट कर दिया लेकिन सीक्रेसी चक कर दी तो उस मैंने कहा इसका सोल्यूशन भी तीस सेकेंड का सोल्यूशन है सीधी सी बात है सरकार सिर्फ ये डिक्लेयर कर दे किस पार्टी ने कितने किस यानी कॉरपोरेट ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है बस ये बता दो खदम प्रॉब्लम सॉल्व थर्टी सेकेंड सोल्यूशन सरकार के हाथ में क्यों नहीं कर रही इस पे मुझे मुझे बड़े खुशी हुई कि मेरे पास एक लेटर आया फली नारिमन साहब का इमेजिन द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट मेरे मैं तो अनपढ़ हूँ लॉ में मैं लॉयर तो नहीं हूँ मैं है वो मैंने एक जो आर्टिकल लिखा उसको इन्होंने इतना अप्रिशिएट किया कि उन्होंने एक ख़त लिखा कि इतना खूबसूरत और इतना प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस मैंने नहीं देखी कॉन्ग्रेचुलेशन फिर उन्होंने एक एडिटर को भी लिखा इंडियन एक्सप्रेस ने उसको लेटर्स ले ले टू द एडिटर में छापा और नॉर्मली वी राइट लेटर्स ले ले टू एडिटर या एडिटर रोट ए लेटर ले टू मी के साहब हमको नारीमन साहब से ख़त आया बड़ी खुशी हुई और ये हम आपसे शेयर कर रहे हैं तो द फैक्ट के उसके लॉजिकली एंड लीगली इतना सॉलिड सजेशन है और सुप्रीम कोर्ट का जो लॉजिक था पिछली बार जब वो था कि सब इलेक्शन के नियर हम हैं इसलिए नहीं कर पाएंगे और अगले इलेक्शन के नियर आ गए तो तो नहीं, नहीं, उस पे मुझे सुप्रीम कोर्ट से शिकायत है जो आज की हेडलाइन है इंडियन एक्सप्रेस में कि वो जो आता है ना उनका आईडिया एक्सचेंज फुल पेज का उसकी हेडलाइन उन्होंने ये दी अरे भाई उस वक्त के चीफ जस्टिस जो भी उनको इसमें अर्जेंसी नज़र नहीं आई उन्होंने डेट लंबी देर डेट दी पाँच साल हो गए बेंच ही नहीं बना के दी अब अगले हफ्ते ही आ रहा है फॉर्चुनेटली मौजूदा चीफ जस्टिस ने इसके समझा और उन्होंने उसकी डेट दी है उम्मीद करते हैं कि इसमें इसको इशू पर कंक्लूसिव वो दे देंगे इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त प्रोटेस्ट किया था बड़े स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में किया था और कई बार किया? भी लिखा था बाकायदा गवर्नमेंट को भी लिखा था बाद में इलेक्शन कमीशन ने अपने स्टैंड चेंज किया वो क्यों किया वो आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं वो इन्वेस्टिगेट करके हमें भी बताइएगा ठीक बहरहाल उससे पहले सर जिन फलीस नरमन साहब की बात कर रहे थे उनकी अभी भी एक नई किताब भी आई है न्यू ईयर कॉन्स्टिट्यूशन वो 1970 के दशक में जब भारत में इमरजेंसी लगती है तो वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे बिफोर मेमोरी फेड्स और गॉड्स और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस तरह की उनकी दो किताबें हैं और मुझे जो याद है वो याद है कि ए पद से जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया इमरजेंसी लगने के बाद तो एक लाइन में बस ये लिखा था आई एम रिजाइनिंग बहरहाल उनको आप खोज के पढ़ें मैं अगले सवाल की तरफ जाता हूँ दो थीम और है जो मुझे टच करनी है पहला वन नेशन वन इलेक्शन और दूसरा क्लनाइजेशन पहले वन नेशन इलेक्शन पर बात कर लेते हैं आपके यहाँ तो पूरा एक सेक्शन भी है मुझे अशोक लवासा का वो रिबटल भी याद है पॉइंट बाई पॉइंट उन्होंने दिया था लेट मी बी ए डबल एडवोकेट फॉर अ मिनट ओनली सरकार का ये कहना है कि चूंकि बार बार जो आपका पैसा खर्च होता है चुनाव कराने के नाम पर बार बार आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाते हैं जिसके लिए आपने ही अपनी किताब में वकालत की है कि उनके लिए इंस्टीट्यूशनल सेफ लगाए जाने चाहिए तो खर्चा बचेगा आप एक बार इकट्ठे चुनाव करा लेंगे तो वोटर के पास आज इतना माइंडसेट है कि वो विधानसभा और लोकसभा में अलग अलग कैंडिडेट को दे सकता है इसके पर्याप्त उदाहरण बड़े उड़ीसा में उदाहरण मिला बाकी जगहों पर मिला कि वो लोकसभा में अलग कैंडिडेट को वोट करता है या अलग पार्टी को और विधानसभा में वो अलग करता है तो एक तो ये वोटर की स्मार्टनेस पर भी क्वेश्चन होता है जब आप ये कहते हैं कि साहब कन्फ्यूज़ हो जाएगा वोटर कैसे तो क्या समस्या है एक एक राष्ट्र एक चुनाव में वन नेशनल इलेक्शन में देखिए इसका इस पर मेरे कई आर्टिकल्स हैं इस किताब में जो मैं आपको जरूर कैमरे में दिखा दूँ। नहीं, नहीं पूरी भी जाएगी जी सर तो इसमें मेरे कई आर्टिकल्स हैं जिसमें मैंने कहा कि इसमें कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं है इसमें देर इज़ ए लार्ज ग्रे एरिया वन नेशन वन इलेक्शन में कई ख़ूबियाँ हैं सबसे पहली चीज़ तो सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि आप वोटर हैं वोटर भी वही हैं चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो या विधानसभा का या पार्लियामेंट का वोटर तो आप एक हैं इलेक्शन कराने वाली मशीनरी इन तीनों इलेक्शन की वही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसकी पोलिंग बूथ जिसमें जाके आप वोट देते हैं इन तीनों इलेक्शन के लिए वो पोलिंग बूथ भी वही है सिक्योरिटी अप्रेटर्स तीनों इलेक्शन का वही है तो वोटर एक जाके बजाय एक मशीन पे बटन दबाने के तीनों पे दबा के आ जाए तो पाँच साल के लिए वो उसको राहत हो जाती है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी हो जाती है और इलेक्शन कमीशन को भी हो जाती है आपका तो एक ही काम था वो भी नहीं पड़ता ना अब उसमें मुझे इस पर जो एतराज़ है उसमें कहा गया कि पॉलिटिकल वर्कर्स का टाइम इसमें लग जाता है अरे भाई पॉलिटिकल वर्कर्स को इलेक्शन के अलावा और कौन सा इंपॉटेंट काम है जिसके लिए उनको टाइम चाहिए था जिसकी ये शिकायत की जाए कि वो पोलिटिकल वर्कर्स और काम नहीं कर पाते इलेक्शन में लग जाते हैं एक तो मैं इसी को ही क्वेश्चन करता हूँ दूसरा ये कि हम हमारे इलेक्शन कमीशन हमें इलेक्शन कमीशन का काम ही इलेक्शन कराना है एक पाँच साल में एक इलेक्शन होगा तो हम तो बड़े खुश होंगे एक बार इलेक्शन करा के पाँच साल तक गोल्फ़ खेलेंगे तो हम लेकिन हमारी कन्वीनियंस के लिए थोड़ी क़ानून बंद हैं। हमारा काम ही इलेक्शन कराना है रोज़ इलेक्शन होगा तो रोज़ कराएंगे तो इलेक्शन कमीशन को कोई शिकायत नहीं तीसरी पार्टी जिसको शिकायत हो सकती है वो मीडिया आपको भी शिकायत नहीं क्योंकि जितना लंबा इलेक्शन जितने ज़्यादा इलेक्शन होते हैं उतनी आपकी काम मिलता है आपको उतनी आपके व्यूअरशिप आती है टीआरपी आती है आपके लिए तो बड़ी अच्छी एक्टिविटी है बिल्कुल ये बंद हो जाए पाँच साल के लिए तो आप देखेंगे आपकी टीआरपी कितनी डाउन हो जाती है तो आपको तो शिकायत नहीं मुझको शिकायत नहीं होनी चाहिए सिर्फ पोलिटिकल वर्कर की शिकायत उसको मैंने क्वेश्चन कर दिया है ना जनता क्या चाहती है इस पर अब ये देखिए कि ये तो हम बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि किसकी कन्वीनियंस जनता से तो पूछे नहीं एक अ, मिस्टर मेहताब जो बीजेडी के एमपी हैं उड़ीसा में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात मैंने पब्लिक मीटिंग में सुनी उन्होंने कहा कि जनता से तो पूछो जनता को बार बार इलेक्शन पसंद है वो पसंद है क्योंकि देखिए गरीब जनता उसके पास आ, उसके पास कोई पावर ही नहीं है बेचारे भूखे हैं है ना डेली वेज सुबह का खाना मिल गया शाम का खाना नहीं है उनको एक ही बार इलेक्शन के वक्त में इम्पोर्टेंस मिलती है तो बार बार इलेक्शन में उनको बार बार इम्पोर्टेंस मिलती है वरना क्या होता है कि एक एम एल इलेक्शन जीत के चला गया और पाँच साल के बाद अब वो आएगा और उसके बाद शक्ल दर्शन नहीं देता आपने कितनी बार सुना होगा कि पोस्टर लगता है गुमशुदा की, की तलाश मुझे याद, है।, मुझे है, याद है उत्तर प्रदेश के अखबारों में लखनऊ में ये हेडलाइन छपा कर दी थी एक मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की वीर बहादुर सिंह आज राजधानी के दौरे पर <laughs> देखिए ना इसलिए क्योंकि ये पांच साल तक ये लोग अगर गायब हो जाएंगे तो उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो खत्म हो गई तो ये फिर एक जो एनिकडोड मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मैं एक दफ़ा एक यूथ पार्लियामेंट पूना में मैं अटेंड कर रहा था वहाँ पे छत्तीसगढ़ की एक लड़की ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही इसके डिफेंस में बार बार इलेक्शन के उसने कहा कि साहब कि जब जब चुनाव आता है गरीब के पेट में पुलाव आता है आप ये ये कोई मामूली बात नहीं है कि गरीब को अब कहा यह जाता है कि ख़र्चा बहुत होता है उस खर्चे की भी एस्टिमेट सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने बताया था पिछले इलेक्शन में साठ हज़ार करोड़ मैं कहता हूँ ये खर्चा तो बड़ी अच्छी चीज़ है पॉलिटिशियन का पैसा गरीब आदमी के पास जाता है वो हायर करेंगे पेंटर को कारपेंटर को ऑटो वाले को इसको उसको तो ये तो पैसा रिसाइकल होके इकोनॉमी में जा रहा है पर तो इसके नाम पर भ्रष्टाचार भी तो बहुत होता है कितना करप्शन होता है कितना एक्स्ट्रा पैसा लुटाया जाता है कितने पाउचेस कितना कुछ नहीं एग्जैक्टली exactly, वो भी इसमें रिपोर्ट करते ने, हैं ने, वो इसी आप जो कहते हैं ना वो उसका इलाज भी मैं बताओ क्या अगर वाकई सिर्फ आपका कंसर्न यही है जेनुइनली क्योंकि बात यह ना कि कहने की बात कुछ होती है जेनुइन कंसर्न अगर मैं कहता हूँ साठ करोड़ से छः करोड़ पे मैं आपको एक सजेशन अभी दे रहा हूँ कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर पे खर्चे की लिमिट होती है ठीक लोकसभा पे जैसे नब्बे लाख अस्सी लाख है नब्बे अस्सी लाख है एक रुपया फाल तो खर्च करेंगे तो आपका इलेक्शन सेट चाय की भी कीमत तय होती है कि चाय पाँच रुपए की चाय पाँच रुपये क... इतने रुपए का की भी इतने रुपए है, है की। ना, अगर पाँच रुपए की, की चाय को आपने पच्चीस रुपए की दिखाई तो आपका इलेक्शन सेट हो सकता है कि झूठ बोला आपने कर प्रैक्टिस तो पोलिटिकल पार्टी पर कोई कैप नहीं है सीलिंग नहीं है तो आप खुद तो अस्सी लाख खर्च करेंगे आपकी पार्टी आपके ऊपर आठ करोड़ खर्च करेगी तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो डिस्टर्ब हो गई पॉलिटिकल पार्टी पे भी कैप लगा दो अस्सी आपका अस्सी पॉलिटिकल पार्टी का आप देखो साठ करोड़ से घट के छः छः हज़ार करोड़ पे आ जाएगा साठ हज़ार करोड़ से सरकार के हाथ में थर्टी सेकेंड का सोल्यूशन है बात भी नहीं करते कर दो कैंडिडेट के साथ साथ पार्टियों पर भी कैप लगाया जाए कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं एग्जैक्टली जी इसी से एक छोटा सा जुड़ा हुआ सवाल है सर मुझे आपके बात करते हुए याद आया राइट टू रिकॉल की बार बार बात होती है नोटा पर भी बहस हुई थी कि साहब अगर नोटा को एक वोट ज़्यादा पड़ जाए तो आप जितना भी जो इलेक्शन हुआ है उसको दोबारा से कराएं वो बहरहाल वो एक अलग बहस रही राइट टू रिकॉल पर आप बताएं क्या आपको लगता है कि भारतीय लोकतंत्र में राइट टू रिकॉल की जगह है क्या स्पेस बन सकता है नहीं देखिए राइट टू तो रिकॉल तो बहुत खतरनाक चीज़ है जब कन्ना हज़ारे जंतर मंत्र पर बैठे थे उस वक्त ये डिमांड पीक पर थी राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट ये थोड़ा सा दर्शकों को इसको बता भी दें है क्या चीज़ें हाँ नहीं बताता हूँ राइट टू रिकॉल उनका ये था कि अगर आप एम पी आपको चुन लिया और लेकिन आप नालाक साबित हुए तो वोटर्स एक रिप्रेजेंटेशन पिटिशन डालेंगे कि ये आदमी ठीक नहीं है इसको निकालो एम से तो रिकॉल हो जाएगा हमने इसको अपोज़ किया था इमीडिएटली क्यों अपोज किया था कि इससे देश में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी इलेक्शन तो कश्मीर में भी होता है नागालैंड में होता है नक्सल एरियाज में होता है बड़ी जान हथेली पे लेके हम लोग इलेक्शन कराते हैं और आप छः महीने के अंदर अंदर कैंडिडेट को रिकॉल कर लें तो फिर इलेक्शन कराना पड़ेगा फिर बार बार इलेक्शन और इलेक्शन कौन कराता है आपकी मेरी बहन बीवी बेटी उनसे तो पूछो उनको बार बार इलेक्शन करना अच्छा लगेगा कपरा लगेगा उनसे तो पूछो एक करोड़ बीस लाख स्टाफ होता है हमारे इलेक्शन का एक करोड़ बीस लाख ट्वेल्थ टीचर सारे, सारे, सारे टीचर अधिकारियों वो सारा मिला के आप उनसे पूछिए कि हमने तो कह दिया कि जी बार बार इलेक्शन करा दो छह छः महीने में करा दो तो देश की इंस्टेबिलिटी दूसरा ये लीगली भी, भी बड़ा सस्टेनेबल नहीं है अन्ना आए थे मुझे मिलने मैंने उनको समझाया और उन्होंने इस डिमांड को विड्रॉ कर लिया फ़ौरन कर लिया हमको ये सब नहीं मालूम था मैंने कहा देखो पाँच लाख वोटों से मैं जीत के आया आप चार लाख नब्बे हज़ार लेके मुझसे हार गए आप पहले दिन ही मुझे रिमूवल का राइट टू तो रिकॉल की मोमेंट चला देंगे अगले दिन से अच्छा कितने दस्तखत चाहिए होंगे आप मेरे मुझे निकालने के लिए पाँच हज़ार दस हज़ार पच्चीस हज़ार नौ पाँच लाख वोट लेके मैं आया हूँ पच्चीस हज़ार वोट मुझसे मुझे आप कैसे निकाल सकते हैं पाँच हज़ार वोटर ने जो मुझे वोट दिया है उनका भी तो कोई राइट है उनके राइट को अब पाँच हज़ार लोग झूठे सच्चे कंप्लेंट करके उनको कॉल कर देंगे क्या लॉजिक है इसके क्या कानून है तो उन्होंने कहा साहब हमने ये सब नहीं सोचा था हम इस सर की डिमांड को तो ड्रॉप करते हैं राइट टू रिजेक्ट उन्होंने जिसको मैंने रिजेक्ट किया था उस पर उन्होंने आर्ग्यू किया उसको भी मैंने इसलिए रिजेक्ट किया था कि साहब वो होगा ये कि बार बार इलेक्शन होने लग जाएंगे तो उन्होंने कहा कि साहब वो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि बार बार नहीं होंगे दो चार इलेक्शन ज़रूर होंगे लेकिन उसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म हो जाएगा और वो बात है मुझे चची कि साहब देखिए आप कितने दिन से कह रहे हैं कि क्रिमिनल्स को टिकट ना दो लेकिन ये पार्टियाँ टिकट देती हैं कितने करोड़ों रुपए ये खर्च करते हैं जो जिसका आपने भी कहा पानी की तरह बहाते हैं आप उसको नहीं रोक पाते उसका एक ही इलाज है कि बीस करोड़ रुपए खर्च करके कोई कैंडिडेट आया और उसको जनता ने राइट टू रिजेक्ट में रिजेक्ट कर दिया तो दोबारा वो पार्टी उसको टिकट देने की हिम्मत नहीं करेगी तो ये बात हम जची हमने कहा कि था इसके ऊपर विचार कर लेते हैं कि इसको कैसे करें वो आगे जो विचार विचार नहीं हुआ वो बात दूसरी है तब तक गंगा और यमुना बहुत पानी बह गया मैं एक और टेक्निकल सवाल पर आ रहा हूँ वन नेशन वन एक्शन की ही और इसको बहुत ही बेसिक से समझ लेते हैं जब यह तर्क आता है एक राष्ट्रीय एक चुनाव के पक्ष में तो कहा जाता है कि 20 अक्टूबर उन्नीस से लेकर फरवरी उन्नीस का जो पहला चुनाव होता है और उसके बाद सत्तावन का चुनाव है सड़सठ तक का चुनाव है वहाँ तक मतलब एक डेकेट तक हम लोगों ने प्रॉपर वन नेशन इलेक्शन की पूरी फहरिस्त उसको रखी यानी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए फर्ज कीजिए कि आज की डेट में अगर वन नेशन इलेक्शन एक साथ कराए जाएँ जो विरोधियों का जो एक तर्क है आलोचकों का वो ये है कि आपने एक फ्रीज डेट बनाई कि साहब सारे इलेक्शन जो हम असेंबली डिजोल्व करेंगे चाहे एक साल की होगी तो आपने सारे एक साथ करा दिए तो अभी 2024 में मान लीजिए आपने राजस्थान वगैरह के इलेक्शन छः महीने आगे कर लिए अगर पूरी नेशन की सरकार तो 24 से लेकर 29 तक पूरी चली लेकिन जैसे अभी मध्य प्रदेश में ही हुआ था कमलनाथ और सिंधिया वाले टाइम पर ही अगर कोई सरकार बीच में गिरती है मान लीजिए वो एक साल बाद ही गिर रही है दो में तो क्या दो से लेकर दो तक के पीरियड के चार बरस तक आप प्रेजिडेंट रूल रखेंगे वो आप रख नहीं सकते क्योंकि फिर वो एक जनता की उसमें में विशेष कश पूरी होंगी और अगर चार साल तक प्रेजेंट रूल नहीं रखा गया दोबारा इलेक्शन कराया गया तो पर्पजिट डिफीट कंसेप्ट का तो इसके ऊपर क्या मतलब इसका कोई तर्क है उधर की जवाब नहीं नहीं, नहीं, नहीं आपने बहुत ही अच्छा सवाल और उसको अच्छा एक बड़ा एक्सप्लेन किया मैं ये बताना चाहूँगा ये बताया हमको आर्ग्यूमेंट सुनाई जाती है कि देखो वन सेवन इलेक्शन होने चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन आफ्टर ऑल पहले दस ग्यारह साल तो होते ही थे बहुत ठीक बात कर रहे हैं हिस्टोरिकली होते थे फिर ग्यारहवें साल से होने क्यों बंद हो गए वो भी तो विधायक दल की सरकारें आने शुरू हो गई तो ग्यारहवें साल आ, क्यों बंद हो गए वो भी तो हिस्ट्री है ग्यारह साल तक सेमल्टेनि इलेक्शन होना हिस्ट्री है बहुत अच्छी बात है ग्यारहवें साल से वो अलग अलग क्यों होने लगे वो भी हिस्ट्री है वही सरकारें गिरने लग गई बीच में मिड टर्म गिरने लगे तो क्या करोगे आपने जैसा ठीक कहा कि छः महीने में एक सरकार गिरी गई साढ़े चार साल तक प्रेसिडेंट रूल में रखेंगे उसे क्या करेंगे और आज से फिर अगर आप 1950 पे वापस आ जाएं कि जी सामिस इलेक्शन की सिचुएशन क्रिएट कर दें तेरह दिन में लोकसभा गिरी थी वाजपेयी जी की छियानवे क्या गारंटी है कि दोबारा नहीं हो जाएगा सोलह में उन्नीस सौ छियानवे से लेकर क्या करेंगे फिर अच्छा ये समझिए कि साइमर इलेक्शन हम करके आए सारी अट्ठाईस स्टेट उन्तीस स्टेट बड़ी एब्सोलूट मेजोरिटी से आई लोकसभा में मेजोरिटी कम हो गई डाइसी हो गई डाइसी हो, हो गई उसकी वजह से पूरे कंट्री को क्यों डिजिटबलाइज करें उल्टा अगर कर दीजिए स्टेट में सरकार गिर जाती है तो वो कब तक वेट करेगी तो इसलिए इसका कोई अब हम इंतज़ार करेंगे एक कमेटी बड़ी हाई पावर्ड बनी है कि क्या इनके पास जादू की छड़ी है इससे पहले कितनी कमेटियाँ बैठ चुकी हैं उन्होंने तो इसका कोई सोल्यूशन निकाल नहीं पाया क्या सोल्यूशन ये दे ये लेके आएंगे दे हम इसको देखना चाहेंगे अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ आपने एक और एक फिगर दी थी वो कि ये वोटर को जो दुविधा की हम बात करते हैं कि इश्यूज उसके माइंड में मिक्सअप हो जाते हैं देखिए एक तो याद रखिए कि प्रधानमंत्री जी ने तीनों इलेक्शन की साइमल्टेनियस होने की बात की थी यानी लोकसभा विधानसभा और पंचायत हमने अपनी डिबेट से पंचायत को गायब कर दिया पंचायत में तीस लाख इलेक्टेड वो हैं रिप्रेजेंटेटिव तीस लाख उनको आप डिबेट से निकाल दें चार हज़ार एक सौ बीस एम एल ए बच गए आप पंचायत में क्या नगर परिषद नगर निगम बिल्कुल ये सब लोकल बॉडीज ये लोकल सारे शामिल है ना क्योंकि देखिए आपका राइट मैं ये कहता हूँ मैं, मैं आ, मेरे और आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरा मैं सपोज मैं गांव में रहता हूँ मेरे घर के नाली के बंद हो गई है वहाँ बदबू आ रही है तो उस नाली को ठीक करने के लिए मुझे एक ऐसा सरपंच चाहिए जो मेरी नाली ठीक करे और मुझे आंगनवाड़ी ठीक चलाए मेरे स्कूल ठीक चलाए या मेरी पॉलिसी यूक्रेन में क्या होनी चाहिए मुझे यूक्रेन की पॉलिसी से मेरे कोई दिलचस्पी है कि मुझे घर के सामने की नाली से दिलचस्पी है तो फॉर मी uh, मेरा प, पंच सरपंच इज मोर इम्पॉर्टेंट देन माई एम पी दे तो इसलिए ये उनको कॉन्स्टिट्यूशनली ऑल थ्री आर इम्पॉर्टेंट तीसरी चीज़ जो समझने की चीज़ है कि थी कि लोग बड़े समझदार हैं वो उसी एक ही इलेक्शन में पार्लियामेंट के लिए किसी को वोट दे देते हैं विधानसभा के लिए किसी को दे देते हैं उस पर सुन लीजिए एक स्टडी हुई थी जो 16-17 साल की स्टडी 1999 से 2014 तक उसमें ये देखा गया आ, कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहा है तो, तो सतहत्तर फीसदी लोग उसी पार्टी को दे देते हैं अगर साम्... और अगर वो इलेक्शन छः महीने सेपरेट कर दिया तो वो गिर के इकसठवीं तेजी रह जाता है और दूर हो गया तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है जिसकी मिसाल दिल्ली है दिल्ली में सातों के सातों सीटें पार्लियामेंट की एक पार्टी को गई और विधानसभा दो, दो बार दो बार विधानसभा के इलेक्शन वो सारी की सारी एग्जैक्टली exactly. तो इसलिए मान लेते हैं जब आप चाहते हैं उसको बेवकूफ़ देते हैं तो ये है नहीं चलेगा आपके लिखे आपके कहे आपके बोले पर खूब बात हुई अब जरा आप पर बात कर लेता हूँ दो मिनट ये खतरनाक काम है शुरुआत के इंट्रोडक्शन में आपने कई बार जिक्र किया है उसमें आपने लिखा है कि बंसी के साथ आपकी बड़ी चेरिश मेमोरी है और आपके बारे में जो थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहा था तो चौटाला साहब के भी आप तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे थे तो हरियाणा के उस वक्त के बारे में थोड़ा बताइए कैसा वक्त रहा था बंसी साहब का वो दौर कैसा रहा और अगर कुछ मेमोरी ऐसी पॉलिटिशन जुड़ी हो बिफोर बींग यू नो दैड ऑफ़ द इलेक्शन कमीशन जी, जी देखिए मैं हरियाणा काडर में अलाउट हुआ मैं हूँ दिल्ली वाला हरियाणा काडर जब मुझे अलाउट हुआ तो पहले तो मैं ज़रा घबराया कि हरियाणा हमने सुना था कि हरियाणा का ओनली कल्चर इज़ एग्रीकल्चर लेकिन ये पाया गया कि हरियाणा में तो एक्चुअली बड़ी डेवलपमेंट हुई थी और बंसी जी ने कराई थी कि जब हरियाणा बना 1966 में तो उस वक्त सबसे बैकवर्ड एरिया पंजाब का हरियाणा को मिला और लोगों का कहना था कि इतनी गरीब स्टेट होगी कि ये वायबल साबित नहीं होगी ये छः महीने साल भर के अंदर अबोलिश हो जाएगी लेकिन बंसी जी ने इतना बढ़िया काम करके हिंदुस्तान की नंबर वन स्टेट उसको बना दिया तो हमने उस जमाने में उन्नीस में जब मैं गया हरियाणा में तो वो पीक पे थे और बहुत सख्त शिफ मिनिस्टर थे उनका बस ये था कि वो बात बात पे इसको सस्पेंड उसको डिसमिस ये करते थे जो और उनकी वजह से नौसेना अध्यक्ष को इस्तीफा भी देना पड़ा था दो मिनट का ये किस्सा सुना देता हूँ संजय गांधी का वक्त था इमरजेंसी लागू थी और वो एक सूट बुक हुआ था जहाँ पर संजय गांधी को एक बड़ा सूट मिला था चूँकि वो किसी पोजिशन पर नहीं थे तो नौ से बहस होती है बाद में इस्तीफा देने की कगार पर आ गए फिर बाद में बंसी ने जो है उसमें अपने वो बैक स्टेप किए हालाँकि थ्री लाल से एक बड़ी अच्छी किताब है तो एक ब्लैक और वाइट का ही फेज नहीं है ये डेवलपमेंट वाला फेज भी है जिससे बंसी लाल जी जी नहीं क्योंकि बंसी लाल का वो रजूम डिक्टोरियल थी लेकिन जितना काम उन्होंने किया द मेकर ऑफ हरियाणा ये हमें मानना पड़ेगा अच्छा दूसरे मैं चौधरी देवीलाल के साथ भी करीबी मैंने काम किया क्योंकि इमरजेंसी के बाद चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर बन मैं गए मैं डायरेक्टर प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए बनते बनते रह गए मैं डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन था हरियाणा का उस वक्त अच्छा। बंसी लाल जी के ज़माने में उसके बाद दो साल जब वो इमरजेंसी में दिल्ली आ गए डिफेंस मिनिस्टर तो बनारसे दास गुप्ता जी के ज़माने में फिर आ गए देवीलाल उन्होंने भी मुझे बनाए रखा हुआ तो देवीलाल जी के साथ देवीलाल जी के साथ काम बड़ा इंटरेस्टिंग था कि ये जो एंटी कांग्रेस नॉन कांग्रेस सारी एक्टिविटी होती होती थी वो उनके ज़माने में हुई बाद में मैं रेजिडेंट कमिश्नर ऑफ हरियाणा हरियाणा भवन में लगा तो ये सारी वहाँ ये पॉलिटिक्स जनता पार्टी पॉलिटिक्स ये सब वहाँ पे बनी वहाँ पे चंद्रशेखर वीपी सिंह मुलायम सिंह यादव लालू यादव ये सब बिल्कुल जूनियर पॉलिटिशियन की तरह ये लोग वहाँ आते थे तो हम इंटरटनशिप इनको उनको उनको हमने बड़े करीब से देखा है और कुछ तो बेचारे इतने गरीब थे कि सुबह क्योंकि चीफ मिनिस्टर के स्वीट में खाना वाना सब फ्री था तो वो सुबह छः बजे से रात को बारह बजे तक उसी कमरे में रहते थे क्योंकि खाना पीना भी मिलता रहता था तो लेकिन वहाँ से ये जो आ, एंटी कांग्रेस कॉम्बिनेशन बन के आया था उसको हमने करीब से बनते देखा तो और कौन कैसे थे जैसे एक नेता थे जिनको बंसी जी मुझको कहेंगे नीचे भाई देखो को आ रहा है उसको ज़रा ऊपर आओ नाम नहीं लूँगा हाँ। वो एक साहब थे जो ऊपर तक जाते में उसको हेलो भी नहीं पूछेंगे नाम भी नहीं पूछेंगे बात भी नहीं करते थे वो एरोगेंट थे चीफ प्राइम मिनिस्टर बने एक और साहब थे वो भी प्राइम मिनिस्टर बने वो इतने और कैसे साहब आप कैसे परिवार है, है, ठीक है ये इनका तो नाम बता दीजिए ये चंद्रशेखर थे अच्छा <laughs> ये चंद्रशेखर थे तो देखिए कि ये छोटी छोटी सी चीज चंद्रशेखर की छवि जो बनाई गई है हाँ, देखिए ये छवि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है और छवि इस तरह बनती है क्यों वो ये चीज़ पूछ लेने में हालांकि ये नहीं कि उनको मुझ में कोई इंटरेस्ट था वो मुझे याद रखेंगे एक बेसिक के ये बेसिक कट थी इट मेक्स यू फील इंपॉर्टेंट कि जूनियर अफसर है उसको इतनी इम्पोर्टेंस मिले बड़ा खुश हो जाता है तो ये तो मोराल के लिए ब्यूरोसी के ये किसी के भी लिया आप अपने डोमेस्टिक हेल्प को भी अगर तारीफ करें तो वो उससे खुश होता है तो इसलिए हर किस्म की हमने पर्सनैलिटी ट्रेड देखे इन दर्ल्ड वेन यू कैन बी एनी थिंग

चौटाला साहब बाद में चीफ मिनिस्टर बने तो मैं उनके बड़ा करीब रहा तो किसी लोगों के भड़काने पे वो मुझसे थोड़ा सा दूर हो गए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई कोई माइन्स वाइन्स के सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ माइन्स होती हैं तो कहिए मैं मुझे इन्होंने एक साइड लाइन जॉब दिल्ली में दे दी थी हरियाणा मिनरल कॉरपोरेशन महिंदरगढ़ में होती है उसका एम जो बिल्कुल ही मरी हुई कॉरपोरेशन तो अच्छा मुझे मरी हुई कॉरपोरेशन और मरी हुई जॉब कभी कभी मिली मुझे कोई दुख नहीं होता था क्योंकि मैंने अपना पीएचडी भी उन दिनों में किया सारी लिखाई पढ़ाई भी मैं उन दिनों करता था बजाय इसके कि मैं सल करूं रो, रोना गाना करूं कि देखो जी मुझे सरकार ने साइड लाइन कर दिया सरकार के आगे हाथ जोड़ू बिल्कुल नहीं बहुत खुशी थैंक यू वेरी मच आपने मुझे साइड लाइन कर दिया मुझे काम करने का मौका मिल गया तो बना दिया उन्होंने एक मीटिंग बुलाई कि जी वो फला माइन प्राइवेट को दे दो, दो मैंने कहा नहीं दे सकता तो सब लोग हैरान कि ये इसकी कितनी हिम्मत तो मीटिंग भंग फिर 21 दिन बाद दोबारा मीटिंग बुलाई मोरलेस वो थोड़ा रिफॉर्मुलेट करके फिर वही चीज़ मैंने कहा था अब मेरी कंपनी बंद कर दीजिए लेकिन ये मेरी सारी तनख्वाहें मेरी इसी माइंड से निकलती हैं ये मैं नहीं दे सकता कुछ और माइंड पड़ी हुई हैं जो इस्तेमाल हमने नहीं किए उनमें से देख लीजिए फिर मीटिंग बर्खास्त और मुझसे वो नाराज़ हो गए बोल चाल बंद अच्छा। ती, तीन महीने चार महीने तक बोल चाल बंद सलाम का जवाब नहीं फिर से डेली एक दिन फ़ोन आता है कुरैशी क्या कर रहा हूँ मैंने कहा जी कुछ नहीं घर में बैठा बैठो खाली ये काम तो आपने दिया हुआ नहीं है तो कह लेंगे इधर एयरपोर्ट आ, आ जाओ कौन सा एयरपोर्ट था तो ये एयरपोर्ट था ये जो इंदिरा गांधी नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं ये दूसरा वाला छोटा वाला सफदरजंग सफदरजंग एयरपोर्ट में जा, जा, जाने वाला हूँ उधर जल्दी आ जाओ मैं पहुँच गया वो प्लेन में बैठ चुके थे तो सिक्योरिटी उन्होंने बताया पायलट चाबी ऑन करने वाला था तो उन्होंने कहा कि तुम नीचे चलो मुझको ऊपर बुलाया और उन्होंने कहा कुरैशी मैं तुमको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ उस प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनने के लिए इतनी मारधाड़ चल रही थी चंडीगढ़ में कि अभी तो आपका बोला था अभी तो मुझसे बातचीत नहीं कर रहे हैं अच्छा और पावरफुल पोस्ट इतनी है चीफ सेक्रेटरी से ज़्यादा पावर होती है, है। रोजाना हो क्या रहता है इंटरेस्टिंग चीज़ मीडिया रिलेटेड आप जान के आपको लगेगा कि किसी का नाम अगर एक दिन आ गया तो अगले दिन उसके बाप दादा की सारी डेटा कोई नहीं, मुखालिफ लोग दुश्मन लोग निकाल देते थे कि ये तो इतना ख़राब आदमी था कि उसका नाम कट जाए दूसरे दिन किसी और का तीसरे दिन किसी का पाँचवें दिन किसी और का मेरा नाम इसलिए नहीं आता मैं तो आउट ऑफ फेवर था दिल्ली में पढ़ा हुआ था फॉर्चुनेटली तो उन्होंने जब ये कहा कि मैं तुमको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ तो मैं हैरान कि साहब एक तरफ़ तो आपने मुझसे बात करनी छोड़ दी थी क्योंकि मैं आपका काम नहीं किया जो आपको चाहिए था जो मैंने नहीं किया तो मैंने कहा था आपने सोच लिया है तो कर लेंगे कुरेश कोई चीफ मिनिस्टर अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बगैर सोच लगाएगा अगर कहते हैं फिर भी कुछ चीज़ें क्लैरिफाई कर लेना अच्छा रहता है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सकता आप समझ सकते हैं और कुछ चीज़ें जो मैं अच्छी कर लेता हूँ मसलन मैंने कह था भारत सरकार से पैसा लेना मुझे आता है क्योंकि मैं वहाँ रह चुका हूँ मुझे मालूम है कब अच्छा टाइम है पता है वो जहाँ के पता है और दूसरे मुझे नए नए आइडिया नई स्कीम में बहुत सा आती हैं तो उसमें से दस में से छः अगर इम्प्लीमेंट भी कर लूँ बहुत बड़ी काम है चलेंगे बस यही तो चाहिए तो हम तो लग जाओगे तीन हफ्ते हैं फिर उन्होंने कहा जो मेरे दिल की बात थी उन्होंने कहा लेकिन ये किसी को पता ना लगे मैंने कहा कि सर मैं भी यही करने वाला था सीक्रेट रखिएगा वरना मुझे भी अपने बाप दादा की सारी हरकतें पता लग जाएंगी कोई ना कोई छुपवा देगा कहीं से लेके तो इसलिए इसको सीक्रेट रखना तो अब द फैट के देखिए ये पॉलिटिशियन बहुत स्मार्ट होते हैं हम जितना नहीं समझते उससे ज़्यादा होते हैं ये स्ट्रीट स्मार्ट हैं क्योंकि उनमें इतनी समझबूझ थी कि जिस शख्स ने काम करने से इनकार किया बेसिकली उन्होंने ये तो माना कि ईमानदार आदमी है ईमानदार उनको चाहिए भी तो जब ज़रूरत पड़ी किसी ईमानदार अफसर की तो उनको ईमानदार आदमी की याद आ गई तो और किसी ने सोच तसवर भी नहीं किया था कि मुझको प्रिंसिपल सेक्रट्री लगा देंगे मैं चला गया तो और बड़ी उनमें बड़ी ह्यूमन क्वालिटीज़ थी उनके दस्तरखान पे कम से कम आठ दस आदमी ज़रूर होते थे किसी को खाना खाए बिना वो वापस ना करना उनमें बड़ी ह्यूमन क्वालिटीज़ भी थी तो ये तो बदकस्मती हुई उनके साथ जो ये केस हुआ लेकिन आ, ये एक नया फेसेट बना अच्छा आपकी जब मैं आर्काइवल वाली बात देख रहा था तो प्रसार भारती आर्काइव के आपको जो यूट्यूब चैनल उस पर आपको बड़े शानदार पुराने कलेक्शन पुराने दूरदर्शन के ज़माने के इंटरव्यूज़ और बहुत सारी बातचीतें बहुत सारा संवाद बहुत सारी लाइब्रेरी सब कुछ बहुत सुंदर मिलेगा आपने खयाम साहब जो म्यूजिक डायरेक्टर रहे और नौशाद साहब दोनों के इंटरव्यूज किए हैं कैमरे पर जो हमको आ गया तो हमारी आंख के आगे पूरा नाच गया लेकिन उसके अलावा जो बातचीत रही होगी कैसे थे ये लोग मतलब इतना जो सुंदर इनकी प्रक्रिया रही मैं, कैसे? मैं बताता हूँ लेकिन जी? पहले ये आपने जो दूरदर्शन आर्काइव्स की बात की हाँ. ना ये अपनी जगह बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थी, थी, था था है। मैं डी जी दूरदर्शन था तो मैं जानता था कि भाई चालीस पैंतालीस साल के दूरदर्शन में हमारे पास कोई एक जमाने में तो यही मीडिया था हर हर कलाकार ने हमारे रे, यहाँ रिकॉर्डिंग की उससे पहले ऑल इंडिया रेडियो में दूरदर्शन आया तो टेलीविजन के लिए रिकॉर्डिंग थी तो मैं आर्काइव बनाना चाह रहा था तो सुषमा स्वराज जी मेरी मिनिस्टर थी बहुत ही अच्छी शानदार मिनिस्टर थी बड़ी पॉजिटिव तो उसके 20 दिन बाद 9 जनवरी 2003 को सबसे पहला प्रवासी दिवस होना था अच्छा तो मैं सुषमा जी के पास गया कि मैडम मैं अगर आप इजाज़त दें मैं आर्काइव बना रहा हूँ आप वाजपेयी जी से इसको उद्घाटन के लिए इजाज़त ले लेंगी तो कर लेंगे हमें फ़ौर ले लेंगे उन्होंने आधे घंटे के अंदर मुझे बताया कि वाजपेयी जी तैयार हो गए कि नौ तारीख को बिफोर वो उस फंक्शन में जाएंगे अपने घर में दस बजे इसका उद्घाटन करेंगे अच्छा बीस दिन में मैंने करना है अभी मेरे पास कुछ नहीं है मैं फ़ौरन दूरदर्शन केंद्र पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पे वहाँ पे गया और सारे अफसरों को बुलाया निकालो अपने गोदाम में से कबाड़खाने से ये वो सारे टेप वेप निकालो उनमें तो से हम क्या कर सकते हैं तो और उसमें जल्दी जल्दी करके कि हम कम से कम चार डीवीडीज उस दिन जब ये प्रवासी लोग आएंगे उस वक्त पार वाजपेयी जी के हाथ से रिलीज करवाएंगे तो खैर वो जमा हो गया साहिबाबाद में कोई फैक्ट्री है वहाँ पे ये इतने उसको क्लीन अप करना क्योंकि इतने फंगस वंगस लग जाता है उसको साफ साफ करने में बड़ा टाइम लगना तो मैडम ने सुषमा जी ने ये कहा कि ये 9 जनवरी के को तो, तो तुम वाजपेयी जी के पास जाओगे 8 जनवरी की शाम को तुम मुझे ये ला दिखाना अच्छा कि एक दिन पहले थोड़ा सा एक दिन पहले ला दिखाना अब आठ जनवरी की शाम चार बज गया पाँच बज गया सात बज गए नौ बज गए मेरे पास वो वापस से वो आए नहीं कि वह कैसा अभी कंप्लीट नहीं हुआ कंप्लीट नहीं हुआ अभी चल रहा है, और चलने वाला है इनको। मुझे दिसंबर के सुबह मुझे पसीना आ रहा था पसीना लिटरली के यार किस मुंह से मैं प्रधानमंत्री जी को शक्ल दिखाऊंगा कि जिस चीज़ का उद्घाटन कर रहे हैं वो तो पैदा ही नहीं हुई अभी तक तो डेढ़ बजे रात को मेरी टीम वहाँ पहुँची और बड़ा फॉगी नाइट थी

ग्यारह नवंबर ये कौन सा है जब वी वर सेलिब्रेटिंग हंड्रेड इयर्स ऑफ रिकॉर्डेड म्यूजिक इन इंडिया सबसे पहला रिकॉर्ड उन्नीस सौ दो में गौहर जहाँ होती थी हाँ। उन्होंने किया था तो हमने कहा अच्छी किताब है ना का। हमने कहा उसको हम सेलिब्रेट करेंगे और अब साल साल भर के अंदर अंदर हंड्रेड डी में निकालूंगा ये मैंने लक्ष्य था जो चार सबसे पहले दिन उसके बाद निकालते जाएंगे खैर हमने इतना अरक़ाज शुरू कर दी नौ डी जी तो मुझे म्यूज़िक का बड़ा शौक था है अभी भी तो मैंने आ, आपका पसंदीदा राग कौन सा है राग नहीं मैं क्लासिकल म्यूजिक अच्छा। मैं वेस्टर्न म्यूजिक पॉप म्यूजिक बीटल्स में शायद ये मेरे क्लिफ मेरे वेस्टर्न म्यूजिक वाला लेकिन मैंने मैं ओपिन मैं एयर का फैन हूँ का तो मैंने अपने डी जी डायरेक्टर जो था बम्बई का उसको कहा यार मुझे ओपिनयर से मिलवा दो मैं उनका इंटरव्यू करना चाहता हूँ उसने मुझे गुमराह कर दिया झूठ बोल दिया या उसे खुद गलत मालूम था कि जी वो तो किसी से मिलते ही नहीं है वो बिल्कुल रिक्लूज़ हो गए हैं किसी से मिलते ही नहीं है जो गलत बात साबित हुई क्योंकि बाद में मैंने चंदन मित्र का एक आर्टिकल पढ़ा जो उन्होंने इंटरव्यू किया कहने कि वो बिल्कुल एक एक कमरे के मकान में थाने में कहीं रहते थे और लोगों की कंपनी को तरसते थे उन्होंने शिकायत की मुझे कोई मिलने नहीं आता ही यहाँ पर मैं उनका एक फ़ैन उनको मिलने के लिए तड़प रहा था खैर वो बात ख़त्म फिर मैंने नौशाद साहब से टाइम मांगा कि उनको इंटरव्यू करने के लिए जो उन्होंने बहुत खुशी खुशी दिया और बहुत ही महजब आना है इंटरव्यू अगर आप लोग इसको देखेंगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा तो बहुत अच्छी उनसे पर्सनल बातें हुई खयाम साहब से मेरी अच्छी तल्लु और दोस्ती हो गई थी तो उनको मैंने इंटरव्यू किया वो तो तीन चार चार पाँच साल पहले ही तीन चार घंटे का इंटरव्यू था लेकिन उसमें से आधे पौने घंटे का उसका आ गया बाकी फुटेज कहाँ गई मुझे नहीं मालूम एक दफ़ा उनका भी एक वा, इंटरेस्टिंग वाक मैं उस वक्त सी सी था अच्छा चीफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकबर रोड पर मेरा बहुत बड़ा घर था वहाँ पे मेरा पियानो मेरा सारे म्यूजिक म्यूजिक मेरा पूरा एक रॉक बैंड है मेरा जो आज तक भी दिन है ना तो उस उस उसमें हमारे म्यूजिक प्रोग्राम हो सकते होते रहते थे तो एक दफ़ा खयाम साहब का फोन आया कि कुरैशी मुझे पद्मश्री मिल रहा है कल सुबह मुझे राष्ट्रपति भवन सुबह अर्ली जाना है तो मैंने कहा कहायाम साहब आइए खाना खाइए मैं डिनर कीजिए कहेंगे मुझे जल्दी छोड़ देना है मैंने आठ बजे तक मैंने कहा छोड़ दूंगा आठ बजे तक आप आ जाइए मैंने अपने दो तीन दोस्तों को ब्रायन साइलस जो पियानिस्ट हैं उनको कहा कि यार तुम भी आ जाओ और दो और फ्रेंड्स हैं उनको बुला लिया तो ब्रायन साइलस ने कहा कि साहब खयाम साहब आपकी फ़िल्मों के आपके गाने में अपने पियनों पर सुनाता हूँ आपको अच्छा तो जो खयाम था वो आठ बजे चले जाना चाहते थे डेढ़ बजे रात तक बैठे रहे और इतनी वो म्यूजिकल हमारी इवनिंग डेढ़ बजे रात तक चली तो ये एक इंटरेस्टिंग लाइफ का एक एपिसोड था खैर का जो इंटरव्यू किया उससे पहले उनके बेटा एक ही इकलौता बेटा था प्रदीप की डेथ हो चुकी थी उसके बाद उनकी और उनकी वाइफ का मैंने इंटरव्यू किया ये भी यूट्यूब पर मौजूद है बस मेरे यही कि के रिग्रेट कि ओपिन्यूर रह गए जो मेरे जिन जो मेरे नंबर वन फेवरेट थे अच्छा बिफोर आई कंक्लूड दिस इंटरव्यू पांच किताबें जो आप हमारे पाठकों को हमारे दर्शकों को रिकमेंड करना चाहें एक और दूसरा आपका पसंदीदा वाद्य यंत्र कौन सा है

Yeah, on on by a so, a है ना? तो इसलिए अदरवाइज मुझे कोई ज्यादा पढ़ने का ना टाइम मिलता है ना शौक क्योंकि इतना मुझे पेशन नहीं मैं मैं बहुत स्लो रीडर हूँ जल्दी जल्दी पढ़ने वाला बनी है तो स्लो के लिए कितनी किताबें मेरे टेबल पर पढ़ी हुई हैं दस बीस तीस पेज जो पहले दिन पढ़ ली वो पढ़ ली अगले दिन दूसरी कोई आ गई वो शुरू कर दी तो वो पढ़े रह जाती जाए उसी समस्या से, से निजात पाने के लिए आपने किताब ली की जिससे आप कहीं भी किसी भी चैप्टर की इस इस किताब से जो ख़ूबी है।, है कि क्योंकि ये पब्लिश आर्टिकल्स की कलेक्शन है तो इसलिए आप कहीं से भी इसको उठा लीजिए आप बैकवर्ड पढ़ना शुरू कर दीजिए सिवाय इतना उल्टा करने के बजाय बाकी आप किसी तरीके से डायरेक्ट इधर से उधर उधर से उधर पढ़ लीजिए तो आपको हर चीज़ इंटरेस्टिंग और इसमें जो मैंने एक चीज़ ऐड की है जो मेरे आर्टिकल नहीं है डेटा इंटरेस्टिंग डेटा का अब जैसे उसमें ये देखेंगे एक इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है मैं बार बार कहता रहा हूँ कि औरतों की रिप्रेजेंटेशन बढ़नी चाहिए वो कहते हैं नहीं औरतों को हम इसलिए टिकट नहीं देते कि वो जीत नहीं पाएंगी विनिबिलिटी नहीं है जो झूठ है विनीबिलिटी औरतों की हमेशा से अच्छी रही है और इसमें आप देखेंगे उन्नीस से आज तक हर इलेक्शन में टिकट अगर आपने उनको दिए है टेन परसेंट जीती हैं वो पंद्रह परसेंट उनका क्रिकेट के टर्म यूज़ करें स्ट्राइक रेट उनका हमेशा मर्दों से ज़्यादा तो वेनेबिलिटी तो ज़्यादा है आपको क्या आप ये क्यों कहते हो कि वो, वो जीत नहीं पाएंगी तो इस किस्म का डेटा इतना है कि मीडिया के लिए ये बड़ी हैंडबुक होगी और सिविल हाँ मुझे, मुझे लगता है कि अब आप लोग मुझे फ़ोन करना बंद कर देंगे क्योंकि हर सवाल का जवाब आपको इसमें ही मिल जाया करेगा वन नेशन वन इलेक्शन हो या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो सब यही मिल जाया करेगा नहीं, मैं मेरे साथी नीरज का हार्ट ब्रेक नहीं करना चाहता जो आपको वाइट के लिए हर बार आपको कॉल करते हैं Uh, इसी किताब के इंट्रोडक्शन में एक बात आती है हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटोरियल छपता है जब आप आई बनते हैं और बाद में आपकी सिस्टर ने भी उसी लीग से फॉलो किया आपके पिता सेंट स्टीफन में पढ़ने जाते हैं और साठ बरस का एक बुज़ुर्ग है जो जर्मन क्लासेस लेने जा रहा है उसके बाद आप एक एस बैंड बनाते हैं आई में जाने के बाद उस बैंड की जरा कहानी को बताएं कि वो कैसे आपका म्यूज़िक प्रेम बैंड में तबिले हम कभी मतलब हम आई एस ऑफिसर्स को या तो जो अभी की छवि बनी हुई है उसमें हम या तो अपने जूनियर्स को हड़काते हुए देखते हैं कोई काम करते हुए देखते हैं है ना जो रील्स आजकल चलती हैं इंस्टाग्राम पर या हम देखते हैं कि साहब किसी मंत्री वगैरह के साथ में ये म्यूजिक बैंड टाइ ये सब कैसे चल रहा है नहीं ये एक्चुअली मैं सेंट स्टिव कॉलेज में था मैं भी हाँ? तो वहाँ पर मुझे वेस्टर्न म्यूज़िक का शौक़ हुआ गिटार का शौक़ हुआ अफोर्ड कर सकते नहीं थे फाइनेंशली कम्फर्टेबल नहीं थे तो मैंने खुद गिटार बनाया शुरू किए इलेक्ट्रिक गिटार मैंने अपनी ज़िंदगी में पांच इलेक्ट्रिक गिटार्स बनाई आपने बनाई हैं खुद बनाई हैं अच्छा मेरा कमरा मेरे घर में ज़रा दूर था तो मुझे एक याद है अपने फादर का ही कहना हालांकि मैं दस दस घंटे अपनी गिटार बनाने में लगा रहता था वो समझते थे, थे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि देखो बेचारा याकूब जो मेरा नाम है कितनी पढ़ाई कर रहा है आजकल कितनी मेहनत कर रहा है उनको नहीं मालूम था कि अंदर बैठा हुआ कमरे में क्या कर रहा है तो वो मैं गिटार्टा बनाता था खैर हमने जब हम एकेडमी गए हमारे यहाँ दिल्ली में एक बैंड था बीट ग्रुप कहलाता था उसमें एक ही जूनियर स्टेटमेंट में उसकी कवरेज आई एक बहुत उस जमाने की बड़ी अच्छी पॉप सिंगर थी अभी भी आप गूगल करेंगे शैरन प्रभाकर तो शैरन प्रभाकर वॉज द सिंगर इन अव बैंड तो हमारा एक बैंड था फिर जब हम आइएस में आ, मैं दो साल लेक्चर रहा इवनिंग कॉलेज में तो इवनिंग कॉलेज में दो घंटा दो घंटे का काम होता है दिन भर फ्री उसमें हम या तो गिटार बना रहे होते थे या बजा रहे होते थे तो हमारा जो बैंड है वो से चला गया अब जब मैं एकेडमी गया एकेडमी में क्या होगा तो मैंने अपनी एक नई गिटार एकेडमी के लिए बनाई और एक पुरानी पहले से थी और कुछ कुछ जो जो और कुछ को चाहिए था वो लेके डेढ़ बजे रात सब पाँच बजे हमने अजमेरी गेट से टैक्सी लेनी है मसूरी की लेकिन मेरी तैयारी जो थी ये थी कि गिटार को लेके मैं गया हमने सबसे पहला जो वहाँ परफॉर्मेंस किया तो उसमें मधुकर गुप्ता जो होम सेक्रेटरी रिटायर हुआ हमारे ड्रमर थे तो ड्रम्स हमारे पास थे नहीं तो उन्होंने दफ्तर की टेबल चाबी कुंजी चुरी कांटा और वह उस पर उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया और हमने अपना काम चलाओ बैंड इक्विपमेंट से बचा दिया मिस्टर डीडी डी साठे जो डायरेक्टर थे वो बड़े खुश हुए कि यार तुम लोगों ने तो बड़ा अच्छा बजाया तो बस क्या चाहिए तुम हमने कहा जी हमें कुछ पैसे दे दीजिए तो उन्होंने हमको एक रॉयल सम ऑफ पंद्रह सौ रुपये दे दिया तो और पंद्रह सौ से ज़्यादा हमको एकेडमी की गाड़ी दिल्ली आने के लिए दे दी अच्छा तो हम दिल्ली आए हमने एक ड्रम सेट एक गिटार एक एम्पलीफायर ये एम्पलोफायर उमा जाए बैंड बनाया वो चलता रहा तो आज तक भी अब मेरे अभी भी हमारा एक बैंड है जिसमें फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र शिवशंकर वो हमारे लीड सिंगर और गिटारिस्ट हैं मैं गिटार और कीबोर्ड पे जाता हूँ और बीच में निरुपमा राव आती हैं कभी वो ज्वाइन करती हैं वो है। आती हैं तो इसलिए जो जो आता है वो ज्वाइन करता है अदरवाइज जो कोर है हमारा हम दो का तो है ही है तो हम लोग महीने में एक, एक जो... कौन सा टाइप का किया जाए सर नहीं। कम से कम हम अफसरों को थोड़ा फाइलों से तरफ भी देख लल्लन टॉप पे करेंगे थैंक यू सर बहरहाल इस किताब में जो सौ सुपर चैप्टर्स में आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव मिलेंगे कॉमेंट्रीज मिलेंगी क्रिटिक मिलेगी फर्स्ट हैंड अकाउंट मिलेगा और एक्सप्लेनर मिलेगा एक्सप्लेनर इस बात का कि राहुल गांधी डिस्कॉलीफाई क्यों है एक्सप्लेनर इस बात का कि कैसे इस मुल्क में इलेक्ट्रल बॉन्ड के रास्ते कोशिश की गई भारत के लोकतंत्र के जो संकट है उस पर बातचीत करने की और आपको इसमें मिलेंगे कि कैसे सिविल सर्विस जो एक्सपेरेंट है हमारे या हमारे मीडिया पर्सन जिस बिरादरी से मैं आता हूँ उनके लिए हैंडबुक की तरह कि वे किसी विषय पर अपनी एक अच्छी साफ समझ विस्तृत तौर पर बना सके इसके अलावा हमने इस इसी बातचीत के दौरान हमने निजी अनुभव भी जाने हमने चौटाला साहब के बारे में सुना ख़ैयाम साहब के बारे में सुना और तमाम तरह से लाइब्रेरी एक बातचीत थी ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरा नाम दीपक था मेरे साथ ये सोई कुरेशी साहब किताबाला के इस एपिसोड को हम यहीं पर रोकते हैं असद भाई और जेरी सर जिन्होंने सदरजंग एयरपोर्ट बताने वाली मदद की हमारे साथ थे आप देख रहे थे दि ललन टॉप इसके अलावा किन किताबों पर हम बातचीत कर सकते हैं ज़रूर बताइएगा टाटा